Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. Today we are studying field. Aap kisi ring ko field kab kahenge? Wo kya conditions hoti hain jiske according hum kisi ring ko field denote kar sakte hain? Suppose ye maine R ring le li. Is R ring ko main field kab kahungi? Agar aapki R ring commutative hai, means यहाँ से मैंने दो elements ले लिए A, B. Commutative है with respect to addition, means A plus B is equal to B plus A. And commutative है with respect to multiplication, A into B is equal to B into A. अगर यहाँ इस ring में unity element है, means यहाँ पे one element exist कर रहा है. And यहाँ पे हर एक non-zero element के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होना चाहिए, मींस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट विद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. इस रिंग के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होना चाहिए. अगर मैं यहां से ये ए एंड बी एलिमेंट्स इस तरह से चूज कर रही हूं कि ये ए एंड बी नॉन जीरो हैं, हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए. ए है तो ए इनवर्स भी इस रिंग में आ रहा है. इसी तरीके से अगर B वहां एलिमेंट है तो B इनवर्स भी एलिमेंट इस रिंग में होगा. तो अगर आपकी रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है, अगर आपकी रिंग में यूनिट एलिमेंट है, इस रिंग में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है फॉर एवरी एलिमेंट जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम इस रिंग को कह देते हैं कि ये है फील्ड एंड इसे हम डिनोट करते हैं एफ से. जब मैं बात कर रही हूं फील्ड की एंड ए बी मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए फील्ड से, तो फील्ड आपका इस तरह से फॉर्म हो रहा है. ए प्लस बी है वो भी फील्ड में होगा. सेकंड ए माइनस बी वो भी फील्ड में होगा. ए इंटू बी ये भी फील्ड में होगा. एंड ए डिवीजन बी ये भी फील्ड में होगा. इस ए डिवीजन बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए इंटू बी इनवर्स, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम एफ फील्ड. मीन्स फील्ड स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो वहां एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एंड वहां पे डिवीजन भी हो रहा है. एंड इस डिवीजन को हम ए इंटू बी इनवर्स के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं फील्ड की, तो अगर कोई रिंग इस तरह से ऑपरेट हो रही है कि उसके दो एलिमेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ये चारों प्रॉपर्टीज शो करता है, देन हम इस रिंग को कहते हैं कि ये रिंग फील्ड एफ है. तो यहां से हमें डेफिनेशन क्या मिली? आपके पास कोई रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड इस रिंग में अगर एटलीस्ट दो एलिमेंट्स इस तरीके से हैं, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, इफ इट इज कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी यूनिट एलिमेंट, वन वहां पे होना चाहिए. एंड इट्स ईच नॉन जीरो एलिमेंट, रिंग के हर एक एलिमेंट ए के लिए, जहां ए आपका नॉन जीरो है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस नॉन जीरो एलिमेंट ए के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है उसी रिंग में, तब हम कहेंगे कि ये रिंग अब आपकी बन गई फील्ड एफ. फील्ड को डिनोट करते हैं एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है फील्ड की? फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा. सेकंड, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस इस फील्ड से हमने ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लिए, तो ए इंटू बी प्लस सी ये ए इंटू बी एंड ए इंटू सी ये एडिशन के बराबर होगा. सिमिलरली बी प्लस सी इंटू ए ये इक्वल होगा बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ बी प्लस सी से, तो दैट इज द सेम एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड सिमिलरली बी प्लस सी इंटू ए दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, दैट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो आपके फील्ड में एलिमेंट्स इस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है. थर्ड, ये जो आपका एफ है फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एक एबिलियन ग्रुप होगा. फील्ड हमारा जो फॉर्म हो रहा है इस तरीके से फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर
associativity, identity, inverse and commutative laws satisfy हो रहे हैं. दूसरा, आपके पास जो ये field है इस तरह से form हो रहा है, multiplication distributive है with respect to addition, left and right both. And third, F with respect to multiplication भी एक abelian group है, with respect to multiplication भी closer, associativity, identity, inverse and commutativity, ये सारी conditions satisfy होती है, तब हमारा ये कहलाता है field. तो यहां से हमें conclusion ये मिला कि जो आपका field form हो रहा है, वहां पे addition, subtraction, multiplication and division चारों laws fulfill हो रहे हैं. ओके, तो ये तो था फील्ड. अब इसमें हम आगे बढ़े सब फील्ड. सब फील्ड मींस हम बात कर रहे हैं किसी फील्ड के सबसेट के बारे में. आपके पास है फील्ड F, इसका सबसेट E है आपके पास. ये E सबसेट कब सब फील्ड कहलाएगा? अगर इस E सबसेट में फील्ड की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी. अगर मैंने E से A एंड B दो एलिमेंट्स ले लिए एंड ये दो एलिमेंट्स इस तरीके से लिए, A प्लस बी ये अगेन E में आपको मिल रहा है एंड A इंटू बी ये भी आपको E में मिल रहा है. मीन्स इस E सबसेट के दो एलिमेंट्स लिए, उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लीकेशन E में है. तो वो A प्लस बी E में इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि माइनस A भी E में है फॉर दिस एलिमेंट A. मीन्स एडिटिव इनवर्स भी है वहां पे, और मैं इसे कह सकती हूँ कि जीरो एलिमेंट भी है E में. इसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि a इंटू बी e में आ रहा है तो a आपका नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो a इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी इस e में होना चाहिए. वन वो भी e में है. मींस इस सबसेट e में एडिशन इस तरह से ऑपरेट हो रहा है कि वहां जीरो एलिमेंट है. इस e सबसेट में मल्टीप्लीकेशन इस तरह से ऑपरेट हो रहा है कि वहां वन एलिमेंट भी है. F के ही सारे एलिमेंट्स E में आ रहे हैं, E में कंसिस्ट हो रहे हैं, बाकी सारे लॉज लाइक कॉमिटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी सेटिस्फाई करेंगे. तो हमें फील्ड के सबसेट E को डिनोट करना है कि वो सब फील्ड है. उसके लिए हम केवल ये डिनोट करेंगे कि A प्लस बी E में है एंड वो A प्लस बी E में इस तरीके से है कि वहां पे जीरो एलिमेंट है एंड A इंटू बी इस तरीके से E सबसेट में आ रहा है कि वहां यूनिट एलिमेंट भी E में है. तो यहां से मुझे डेफिनेशन मिली एनी सबसेट ई एंड ए सबसेट इस तरीके से है कि यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए. अगर वहां पे केवल एक एलिमेंट है तो वो फील्ड की डेफिनेशन ही नहीं सेटिस्फाई करता, बिकॉज फील्ड जब हमारा फॉर्म हो रहा है तो एटलीस्ट वहां पे दो एलिमेंट होने ही चाहिए. सो सबसेट कैसा होना चाहिए? हैविंग मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अ फील्ड एफ, दैट इज कॉल्ड अ सब फील्ड ऑफ एफ इफ ये जो ई है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फील्ड है, फील्ड की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. तो यहां से हमें कंडीशंस ये मिलती हैं कि a प्लस बी आपका e में कंटेन होना चाहिए, जहां ये a b एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं e से. e के हर एक एलिमेंट के लिए एडिशन अगेन कंटेन होना चाहिए e में. और किस तरीके से होना चाहिए कि अगर e में a एलिमेंट है तो ये a एलिमेंट इस तरीके से है कि माइनस a भी e में होगा. मींस हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी वहां e में है. इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि हर एक एलिमेंट का अगर एडिटिव इनवर्स है, मींस जीरो एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी वो भी e में होनी चाहिए. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर एवरी एलिमेंट a एंड b, a इंटू b मल्टीप्लीकेशन अगेन कंटेन हो रहा है e में. एंड अगर आपका a नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, a आपका क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो a e में कंटेन हो रहा है, इट मींस इस a का इनवर्स भी e में कंटेन हो रहा है. नॉन जीरो एलिमेंट है, इस नॉन जीरो एलिमेंट के लिए a इनवर्स है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है e में. एंड इस a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज वन. मींस ये वन एलिमेंट भी E में होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट भी E में आना चाहिए, तो ये कहलाएगा सब फील्ड. अब सपोज मैं क्वेश्चन लेती हूँ. क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इन द रेजिड्यू क्लास फील्ड मॉड्यूलो 17, रेजिड्यू क्लास फील्ड मॉड्यूलो 17 है आपके पास एंड आपको डिनोट करके ये बताना है कि 5/7 की वैल्यू 8 आनी चाहिए. अब जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड में हमने डिनोट किया कि ये जो a डिवाइडेड बाय b है इसको हम a इंटू बी इनवर्स से डिनोट करते हैं. तो
यहाँ पे क्वेश्चन में 5 डिवाइडेड बाय 7 है, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा 5 इनटू 7 इनवर्स में एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा. मींस अब हमें 7 इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन मल्टीप्लाई करना है 5 में एंड मॉडुलो 17 के अकॉर्डिंग 17 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो आपको रिजल्ट दे देगा. तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें 7 इनवर्स चाहिए एंड 7 को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिजल्ट आपको यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए. हमें वो एलिमेंट चाहिए जिससे हमें 7 का इनवर्स मिल जाए. मींस 7 को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है आपको जो आपको रिजल्ट दे दे रहा है 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 17. तो यहां से अगर मैं लिखूं 7 इंटू 5 35 एंड मॉडुलो 17 के अकॉर्डिंग जब मैं 17 से डिवाइड कर रही हूँ 35 में, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, जो ये 5 है इस 7 के लिए इनवर्स है. बिकॉज समथिंग एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद सम एलिमेंट एंड द रिजल्ट इज यूनिटी, इट मींस ये बी एलिमेंट क्या है, इसका इनवर्स है. 7 into 5 is equal to 1 अगर मैं कह रही हूँ, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट ये मिल गया, ये जो 7 का इनवर्स है 5 मिला. तभी तो 7 को 5 में मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपको 1 मिल रहा है, यूनिटी मिल रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है. नाउ फाइंड करना है 5 अपॉन 7 की वैल्यू. तो इस 5 अपॉन 7 को फील्ड के अकॉर्डिंग हम 5 इंटू 7 इनवर्स लिख देते हैं. 5 इंटू 7 इनवर्स की वैल्यू क्या है? 5 एंड 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 17 रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? 8. मींस हमें कंक्लूजन क्या मिला यहां से? 5 अपॉन 7 की वैल्यू है 8. यही हमें प्रूव करना था. a डिवाइडेड बाय b को a इंटू b इनवर्स में कन्वर्ट करके a अपॉन b की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें एक और क्वेश्चन हम ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द सेट 0, 1, 2 एक सेट है एंड मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग दैट इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. मीन्स जो ये 0, 1, 2 सेट है मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सेट फील्ड फॉर्म हो रहा है. इस सेट को मैं डिनोट कर देती हूँ एफ से. अब ये जो सेट एफ है फील्ड प्रूव करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो पहले हम देखें कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ये एबिलियन ग्रुप है. तो इसमें फर्स्ट आता है क्लोजर. तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए 1 एंड 2. कहां से लिए? जो आपका सेट एफ है एंड इस एफ सेट में एलिमेंट्स है 0, 1, 2. अब देखो मैंने 1 एंड 2 को ऐड किया मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 / 3 द रिमाइंडर इज 0. एंड इस एफ सेट से मैंने दो एलिमेंट्स लिए उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद मॉड्यूलो 3 के अकॉर्डिंग अगेन रिजल्ट जो मिला 0. ये अगेन आपका कहां से आ रहा है? एफ से आ रहा है. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई. सेकंड, एसोसिएटिविटी में देखें, मैं 3 एलिमेंट्स ले लेती हूं 0, 1 एंड 2. कहां से ले रही हूं मैं सेट? एफ से ले रही हूं. पहले मैं 0 एंड 1 को ऐड करती हूं, देन मैं 2 को ऐड करूंगी. 0 एंड 1 को ऐड किया तो 1 मिला मुझे मॉड्यूलो 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 से लेसर है 1, तो आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी. अब 1 एंड 2 को विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 3 ऑपरेट करने पर रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0. अब इसको दूसरे तरीके से देखें, पहले मैं 1 एंड 2 को ऑपरेट करती हूँ मॉड्यूलो 3 के अकॉर्डिंग, तब मैं 0 ऐड करूंगी, तो 0 आपका एज इट इज है. एंड 1 एंड 2 को ऐड किया मॉड्यूलो 3 के अकॉर्डिंग तो मुझे रिजल्ट मिला 0 एंड 0 को 0 से ऐड किया मॉड्यूलो 3 से, वो 0 लेसर है तो वैल्यू मिल गई 0. मीन्स आपको दोनों वैल्यू सेम मिली. 0 एंड 1 को ऐड किया देन 2 को ऐड किया, 1 एंड 2 को ऐड किया देन 0 को ऐड किया. Means, associativity भी satisfy हो गई यहाँ पे. थर्ड हम बढ़े आइडेंटिटी की तरफ. अब ये जो जीरो एलिमेंट है कहाँ से आ रहा है? F से आ रहा है. एंड ये जीरो एलिमेंट क्या है? 1 को मैंने 0 से ऐड किया मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 3 से लेसर है. 0 को मैं 1 के साथ मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग ऐड करूं तो मुझे अगेन 1 मिल गया. मीन्स किसी एलिमेंट को 0 से ऐड किया अगेन वही एलिमेंट मिला. 0 में एलिमेंट 1 मैंने ऐड किया तो अगेन मुझे वही एलिमेंट मिला. इट मीन्स ये जो जीरो एलिमेंट है एफ में दैट इज आइडेंटिटी इन दिस सेट एफ. तो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो गई. नेक्स्ट इज इनवर्स. इनवर्स में क्या है? मैंने 0 को ऐड किया 0 से मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग, रिजल्ट मुझे 0 मिल रहा है. 1 को 2 से ऑपरेट किया मॉडुलो 3 के अकॉर्डिंग, सॉल्व करके मुझे
जीरो मिला एंड टू को वन से ऑपरेट किया मैंने मॉड्यूलो थ्री के अकॉर्डिंग तो भी मुझे जीरो मिल रहा है। तो इस जीरो के लिए इनवर्स क्या है जीरो, इस वन के लिए इनवर्स क्या है टू एंड इस टू के लिए इनवर्स है वन। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें इनवर्स मिल रहा है यहाँ पे, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई। एंड द फिफ्थ इज कॉमिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वन को मैंने टू से एड किया मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या मिल रहा है जीरो, या फिर मैं टू को वन में एड करूं मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट अगेन क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है। मीन्स कॉमिटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। इन कंडीशन से मुझे कंक्लूजन ये मिला कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एफ इज एन एबिलियन ग्रुप। सेकेंड मुझे देखना है एफ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा। फर्स्ट इज अगेन क्लोजर, जीरो इंटू वन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो थ्री, जीरो इंटू वन दैट इज जीरो एंड जीरो थ्री से लेसर है तो आपको रिजल्ट रिमाइंडर जीरो ही मिला। एंड ये जीरो अगेन कहाँ से आ रहा है एफ से आ रहा है। मीन्स हमने सेट से दो एलिमेंट्स लिए जीरो एंड वन, ऑपरेट करने पे मल्टीप्लाई करने पे मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग अगेन हमें जो वैल्यू मिली वो अगेन एफ से ही आ रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड एसोसिएटिविटी, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग देन मैं टू से करूंगी तो जीरो इंटू वन दैट इज जीरो इंटू टू, जीरो इंटू टू दैट इज ऑल्सो जीरो। अब मैं वन एंड टू को मल्टीप्लाई करती हूँ मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग देन जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो आपका एज इट इज है। ये वन एंड टू को मल्टीप्लाई किया वन इंटू टू दैट इज टू मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग अगेन जीरो एंड टू मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल गया जीरो। नेक्स्ट थर्ड आता है आपके पास आइडेंटिटी। अब ये वन एलिमेंट कहाँ है फील्ड में है एंड अगर मैं टू को वन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है अगेन टू मिल रहा है, या फिर मैं 1 इंटू टू करती हूँ मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग अगेन मुझे 2 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 1 इन F। फोर्थ आता है आपके पास इनवर्स। इनवर्स में देखिए 2 इंटू टू विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 3, 2 इंटू टू दैट इज 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर इज 1। ये क्या मिली मुझे आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरीके से 1 को 1 से ऑपरेट किया मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग 1 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 2 एंड 1 के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1। यहाँ पे हम 0 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम केवल बात कर रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स की एंड यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स है इनके लिए इनवर्स हमें मिल गया। मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉमिटेटिव। कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी एलिमेंट्स हमने ले लिए दो, वन को ऑपरेट किया टू के अकॉर्डिंग मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या मिला टू मिला और टू को मल्टीप्लाई कर दूं मैं वन से मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग मुझे अगेन टू मिल गया। मीन्स वन इंटू टू करूं या टू इंटू वन करूं वो सेम वैल्यू मिल रही है। मीन्स कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इन पांचों कंडीशन से आपको ये कंक्लूजन मिला कि जो ये F है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी F आपका एबिलियन ग्रुप है तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखें। 0, 1, 2 ये तीनों एलिमेंट्स ले लेती हूँ F से, 1 एंड 2 को ऐड करती हूँ मैं मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग एंड देन मल्टीप्लाई कर दूंगी 0 से, 0 मेरा एज इट इज है, 1 प्लस 2 दैट इज 3 एंड 3 इज डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0 आंसर इज 0। लेकिन अगर मैं 0 इंटू 1 करूं मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग, 0 इंटू 2 करूं मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग देन ऐड करूं मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 अगेन 0 एंड 0 को ऐड किया विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 3 तो मुझे 0 मिला। मींस ये दोनों वैल्यूज आपको सेम मिली तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। नाउ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखें, अब मैं 1 प्लस 2 को ऐड करूं मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग देन मल्टीप्लाई करती हूं 0 से तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0 एंड 0 इंटू 0 मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको 0 मिला। अब 1 इंटू 0 करूं मैं 2 इंटू 0 करूं एंड देन ऐड करूं तो 1 इंटू 0 मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग 0, 2 इंटू 0 मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग 0 एंड 0 को ऐड किया मॉडलो 3 के अकॉर्डिंग तो भी मुझे 0 मिला। मीन्स ये दोनों वैल्यू अगेन सेम आ गई तो यहाँ से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
भी सेटिस्फाई हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका सेटिस्फाई हो गया. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट एंड राइट वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आपका एफ सेट है, एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एफ सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप है, एंड इस एफ में लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो कंक्लूजन मिला, हेंस जो आपका गिवन सेट एफ है जहां 0, 1, 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3. तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को फील्ड प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 प्रॉपर्टीज. ओके, थैंक यू.